एक समय की बात है, गोपी अपनी मामी के घर में सूरत में रहती थी। वो काफी बड़ी हो चुकी थी और पढ़ाई में काफी होनहार थी। उसकी पढ़ाई भी पूरी हो चुकी थी। अब उर्मिला जल्द ही उसकी शादी मोदी परिवार के इकलौते लड़के अहम से करवाने वाली थी। कुछ दिनों बाद ही अहम के साथ गोपी की शादी करवा दी जाती है। मोदी भवन में गोपी देखती है कि उसके सास ससुर काफी पुराने ख्यालात के थे। गोपी के ससुर पराग का अपना बिजनेस था, जिसका कुछ हिस्सा खाली पड़ा हुआ था। तभी गोपी अपनी सासू माँ कोकिला से कहती है कि माँ जी, क्या मोदी परिवार में कोई भी महिला काम नहीं करती? कोकिला चिल्लाते हुए गोपी से कहती है कि ये किस तरह का सवाल है? क्या तुम्हें पता नहीं है कि महिलाओं का काम सिर्फ चार दीवारी के अंदर ही अपने परिवार का ख्याल रखना होता है? फिर कभी दोबारा इस तरह का सवाल मत करना। तभी गोपी अपनी सासू माँ से माफी मांगते हुए वहाँ से चली जाती है। गोपी काफी संस्कारी थी और पढ़ी लिखी भी थी। वो घर के हर एक सदस्य का खूब ख्याल रखती थी। उन्हें कभी किसी तरह की शिकायत का मौका नहीं देती थी। साथ ही अहम के साथ भी वो काफी घुल मिल गई थी। तभी एक दिन गोपी अहम से कहती है कि मैं भी बाहर काम करना चाहती हूँ, और वैसे भी पापा के बिजनेस का एक हिस्सा खाली पड़ा है, तो क्यों ना उसका कामकाज मैं संभाल लूं। पर अहम कहता है कि तुम्हारी इस बात में कोई बुराई नहीं है, लेकिन हमारे परिवार में किसी भी महिला ने काम नहीं किया है, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम भी ऐसा कोई कदम ना उठाओ जिससे परिवार को ठेस पहुंचे। तभी अगले दिन गोपी पौधों में पानी डालते वक्त सोचती है कि उसे अपने घर की पिछड़ी सोच को बदलना होगा और उन्हें समझाना होगा कि महिलाओं का काम सिर्फ चार दीवारी के अंदर ही नहीं है। उसी दिन गोपी बिन बताए अपने ससुर के ऑफिस जाती है और वहाँ की सारी जिम्मेदारियाँ अपने सर ले लेती है। घर के किसी भी सदस्य को उस बारे में कुछ पता नहीं होता, पर गोपी का घर में ना होना सभी को परेशान कर रहा था। सभी सोच रहे थे कि अचानक उनकी बहू कहाँ चली गई। तभी जब रात को गोपी काम से वापस घर आती है, तब वो अपने परिवार वालों से कहती है कि माँ जी, मैं बिजनेस वूमेन के तौर पर आज पापा के बिजनेस का कामकाज संभाल रही थी। मुझे पता था कि अगर मैं आप सभी से परमिशन लेती तो आप मुझे बाहर का काम करने की परमिशन नहीं देते, इसलिए मैं आप सभी से बिन बताए ही काम पर चली गई थी। और वैसे भी पापा के ऑफिस में कई महिलाएं भी काम करती हैं। वहाँ अधिकतर महिलाएं ही हैं, जिनमें से कई महिलाएं अपने पैसों से ही अपना घर चला रही हैं। साथ ही वो रोज सुबह उठकर घर का काम काज करके ऑफिस आती हैं और बाहर के काम के साथ साथ अपने घर का भी खूब ख्याल रखती हैं। अब समय काफी ज्यादा बदल चुका है और मैं आप सभी को विश्वास दिलाती हूँ कि पापा का बिजनेस संभालने के साथ साथ मैं अपने घर का भी पूरा ख्याल रखूंगी। तभी गोपी की बातें सुनकर सभी की आंखें भर जाती हैं और घर के जेंट्स के साथ साथ महिलाओं को भी एहसास होता है कि उनकी जगह सिर्फ चार दीवारी के अंदर ही नहीं है, बल्कि बाहर भी है। और इसी तरह गोपी को बिजनेस वूमेन के तौर पर काम करने की इजाज़त मिल जाती है। तो दोस्तों, आप क्या कहना चाहेंगे इस बिजनेस वूमेन की कहानी के बारे में? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और साथ ही ऐसी और मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।